वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट एडिटिंग अजीत। दोस्तों हम आज करने वाले कुछ अलग ही टाइप की एडिटिंग, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलते हैं पिक्सआर्ट में, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद में हमें हमारा बैकग्राउंड लेना, बैकग्राउंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेने के बाद में हमें हमारी जो फोटो है उसका भी बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर है, तो हमें इसे ब्लर करने के लिए हमें जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद ब्लर में जाना है, ब्लर में जाने के बाद इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर जाना लेंस ब्लर में, इसकी सेटिंग को ओपन करके हमें करना रेडियस को 3। अभी हमें इसे टिक करना, टिक करने के बाद में हमें हमारी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद में हमें करना है इसका बैकग्राउंड चेंज, तो बैकग्राउंड चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं इजी वे में। बैकग्राउंड रेज हमारा हो चुका है, अभी हम करते हैं फ़ोटो को सेट। यहाँ पर फोटो को सेट करने के बाद में हमें टिक करना, टिक करने के बाद में हमें फ़ोटो को सेव करनी है। अभी थोड़ा इसकी बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हमारी फ़ोटो स्नैपसीड में आने के बाद में हमें हमारी फ़ोटो लेनी है, प्लस के क्लिक करके रिसेंट में फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो लेने के बाद में हमें जाना टूल्स में जाने के बाद में हमें यहाँ पर सेलेक्टिव में जाने के बाद में हमें हमारी फेस को थोड़ा ब्राइट करना है, तो स्लाइड करके हमें फेस को ब्राइट कर देंगे। यहाँ पर टिक करना, फिर से टूल्स पेंसिल के इसे पेंसिल से जाना है, सेलेक्टिव में जाना, फिर हमें करना हमारे शर्ट पे करने के बाद हमें स्क्रॉल करके ये इसको बढ़ा देना, टिक करना है। फिर से जाना पेंसिल पे, हमें जाना यहाँ पर लेंस ब्लर में जाने के बाद में फिर से टिक करना, टिक करने के बाद में हमें यहाँ पर ये इस पर जाने के बाद में हमें जाना है व्यू एडिट्स में जाने के बाद लेंस ब्लर पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो बस है इस पर क्लिक करने के बाद में हमें हैंड्रेड को करना है 50 करने के बाद फ़ोटो को जूम करने के बाद हमें करना फेस को ब्लर, स्किन को स्मूथ करना है। हो जाने बाद में हमें टिक करना, टिक करने के बाद में हमें फ़ोटो को कर लेना सेव। अभी हमें चलना लाइट रूम में आने के बाद हमें यहाँ पर लाइट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करना, हाईलाइट को थोड़ा कम करना है, शैडो को कम करना, वाइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है, ब्लैक को कम करना है। फिर जाना कलर में जाने के बाद में हमें मिक्स पे करना, मिक्स पे जाने के बाद में येल्लो वाले पे ह्यू को थोड़ा माइनस करने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा प्लस करना है, ल्यूमिनियस को बढ़ाना है। और फिर चलते हैं ऑरेंज वाले पे, ह्यू को थोड़ा कम करना है, सेचुरेशन को कम करना है, ल्यूमिनियस को बढ़ाना है। और इस पे जाने के बाद तो अभी हमारी फ़ोटो को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बैकग्राउंड हमने चेंज भी किया है।